की जो जनता है उसको संबोधित करेंगे। विजय संकल्प रैली है ये। मोदी जी को जय श्री राम। इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद कार्तिकेय शर्मा को देख सकते हैं और लाखों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। अंबाला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मंच पर आपको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नजर आ रहे होंगे और थोड़ी देर के बाद जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। हम उनका हार्दिक दिल की गहराइयों से, ये सीधी तस्वीरें हम आपको हरियाणा के अंबाला से दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और यही वजह है कि लाखों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। मोदी जी को जय श्री राम। तो कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। मोदी मोदी मोदी। तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है तो वहीं सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अंबाला में हैं और देर शाम उनकी दिल्ली में भी एक जनसभा होनी है। पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से कि वे मंच पर आए और फसल का गुच्छा देकर, और माननीय कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल जी भी मंच पर आए। तस्वीरें हम आपको अंबाला से दिखा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फसल गुच्छा देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी लोकप्रिय से बहुत अंबाला लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी से कि वो आए और माता मनसा देवी का आशीर्वाद, माता मनसा देवी की चुनरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। निवेदन करना चाहूंगी नवीन जिंदल जी से कि वो आए, कृष्णदास का अवतार हमारे प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। भारत माता के नारों की गूंज चलती रहनी चाहिए, तालियों की करतल ध्वनि चलती रहनी चाहिए। निवेदन करती हूँ अंबाला की आन बान शान अनिल विज जी से कि वो आए और हमारे साइंस सिटी अंबाला का माइक्रोस्कोप प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। असीम गोयल। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अंबाला जिस तरीके से औद्योगिक नगरी है, असीम गोयल जी से प्रार्थना करूंगी कि वो अंबाला में बनने वाली मिक्सी का एक सैंपल और नमो शाल देकर आदरणीय मोदी जी को सम्मानित करें। और इसी कड़ी में हमारे चारों जिलाध्यक्ष और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी को पगड़ी देकर सम्मानित करें। हम सब जोर से नारा लगाएंगे, मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी को जय श्री राम। अब इसी घड़ी में हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा का एक नक्शा ही बदल दिया, एक राजनीतिक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार चलती रहनी चाहिए। बोलो भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान
न केवल भारत देश बल्कि दुनिया की युवाओं के धड़कने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंबाला लोकसभा क्षेत्र से हमारी प्रत्याशी बहन बंतो कटारिया जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अपने प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में यहां उपस्थित मंत्रीगण, राज्यसभा के सदस्यगण, सभी हमारे मंचासीन अन्य नेतागण, आज बड़ी सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आज हरियाणा के 2,82,00,000 लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को राम राम कहता हूं, आप स्वीकार करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आजकल हरियाणा में जब चुनाव के नाते से घूमना हो रहा है तो आपकी राम राम हम सबको देते हैं, बदले में हरियाणा की जनता भी जरूर कहती है कि प्रधानमंत्री जी इस दिन आए, हमारी राम राम उनको जरूर कहना, इसलिए आपको उनको राम राम दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले आप जब भी पिछले 10 वर्ष में हरियाणा में आए हैं, मैंने मुख्यमंत्री के नाते आपका हरियाणा में स्वागत किया। आज मुझे कुछ लोग पूर्व मुख्यमंत्री कहते होंगे, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहा, लेकिन इस समय मैं आपका स्वागत करनाल के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, और जिस हम आपका परिवार यानी मोदी परिवार के सदस्य के नाते आपका हरियाणा में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहने को तो ये देश में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जैसा हम जानते हैं चुनाव के साथ साथ 2047 तक अपना देश किस प्रकार से विकसित बने, उस ओर हरियाणा के लोग हमेशा तत्पर हैं, और इस चुनाव में हरियाणा के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोगों को जब आपका नाम आता है तो इतना उत्साह और उमंग उठता है, ऐसा मानते हैं जैसे मोदी जी स्वयं उनके बीच में आकर खड़े हो गए हैं। दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, भारत की जनता आपकी तारीफ कर रही है, लेकिन न जाने ये कांग्रेस के लोग आपकी आलोचना लगातार करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे गांव में जाने के बाद मिला। आदरणीय मोदी जी, जब गांव में कोई कांग्रेस का व्यक्ति किसी गरीब घर में जाता है तो वहां गरीब घर के बाहर दरवाजे पर लिखा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। व्यक्ति पढ़ता है, उसको लगता कि मुझे अंदर जाकर के अपना प्रचार करना है। जैसे वो अंदर जाता है तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति को घर का वह गरीब व्यक्ति उसको बैठाता है, पानी पूछता है। जब पानी लेके आता था तो उसको आभास होता है कि नल से जल के माध्यम से जो पानी दिया गया है वो मोदी जी के द्वारा दिया गया है। जब वो छत की ओर देखता है तो जब पंखा चल रहा होता है और बल्ब लगा होता है, उस समय फिर से वो परिवार का व्यक्ति याद कराता है कि मोदी जी ने दिया है। और जब वो व्यक्ति चाय पूछता है तो चाय से इतनी चिढ़ है कांग्रेसी आदमी को कि उसकी भ्रुकुटे तन जाती है। और जब व्यक्ति देखता है कि कोई बीमार एक आदमी घर में, उसका हालचाल पूछ लो, वो बीमार व्यक्ति कहता है कि मेरा इलाज अस्पताल में हुआ, कोई पैसा नहीं लगा, और ये मोदी जी का जो आयुष्मान कार्ड है उसका लाभ मुझे हुआ है। आखिर वो कांग्रेस से परेशान हो जाता है
परेशान हो जाता है तो जब जाने लगता है, जाने लगता है तो बड़ी विनम्रता से वो गरीब भाई बाहर जाते हुए व्यक्ति को हाथ जोड़ करके कहता है राम राम भाई साहब। अब जब राम राम कहता है तो फिर से उस आदमी को ध्यान में आता है कि मैं तो अपने खाली हाथ लौट रहा हूं, ये तो मोदी का आदमी है। तो इस प्रकार से ये कांग्रेस लोग परेशान हो जाते हैं। इनके परेशानी के कारण बहुत है दुनिया में, आपने करके दिखाया। इस देश की ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं जिनको चुटकियों में हल किया, चाहे वो 370 हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना हो, वो सब हल हुए। न केवल देश के लोग आपको शक्तिशाली मानते हैं बल्कि दुनिया के सब बड़े नेता उनके यहाँ की समस्याओं को हल करने में भी आपसे परामर्श करते हैं, आपसे सहयोग मांगते हैं। तो इस नाते से मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि आज कांग्रेस के लोग हताश है। हमारे हरियाणा में उनके मन में एक बौखलाहट है, हार की बौखलाहट। दूसरा, वो जानते हैं कि जो मोदी जी ने 10 साल में कर दिखाया, कांग्रेसी उनकी हीन भावना ध्यान में आती है कि 55-60 साल में भी वो नहीं कर सके हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बुरी हालत, यहाँ के नेता कांग्रेस के, क्योंकि उनको कांग्रेस की चिंता नहीं है, वो तो केवल एक बापू बेटा का खेल है, अपने गम को कम करने में लगे हुए हैं। एक पत्रकार ने पूछा कि हुड्डा साहब, आप पिछली बार पिता पुत्र दोनों लड़े थे, इस बार एक क्यों लड़ रहे हो? उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि पिछली बार उनका के बापू बेटा दोनों हार गए थे, दो का गम उनको हुआ, 8 तो वो भूल गए जो हारे थे, इस बार वो अपने गम को आधा करने के लिए और एक ही आदमी लड़ रहे, दूसरा नहीं लड़ रहे, उनका गम कैसे कम हो जाए। प्रधानमंत्री जी, हरियाणा गीता की धरती है, हरियाणा के लोग सत्य असत्य, हरियाणा के लोग न्याय अन्याय, हरियाणा के लोग धर्म अधर्म, इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ के लोगों ने तय किया है कि जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत में एक दिशा दिखाई थी, वैसे आप हरियाणा की जनता को जो दिशा दिखा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं कि आने वाली 25 मई को, आने वाली 25 मई को हरियाणा का जनता एक एक लोकसभा के सांसद को जिता करके 10 के 10 लोगों को आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा करने में, देश की इस प्रगति में आपका सहयोग करेगा। और यहाँ के लोग तो ये भी कहते हैं 25 मई कांग्रेस गई।